दोस्तों, आप सभी ने टीवी इंडस्ट्री की कई खूबसूरत और शादीशुदा एक्ट्रेसेस देखी होंगी, जिनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि अपनी पहली शादी कर शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस मौजूद हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी पहली शादी ठीक नहीं रही तो फिर उन्होंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया, लेकिन पहली शादी के बाद उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उनकी दूसरी शादी से उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। जी हाँ, उन सभी ने अपनी लाइफ को एक नया मौका दिया, दूसरी शादी कर ली और उनकी दूसरी शादी ने उन्हें इतनी ज़्यादा खुशियाँ दी कि उनकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की ऐसी पांच खूबसूरत अभिनेत्रियों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी दूसरी शादी से ज़िंदगी बदल गई है। तो अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, उन अभिनेत्रियों से मुलाकात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आइए जल्दी से जान लेते हैं उन सभी एक्ट्रेसेस के बारे में। नंबर एक, श्वेता तिवारी। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा कर फेमस हुई अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बारे में, जिन्होंने अपनी पहली शादी टीवी एक्टर राजा चौधरी के साथ की थी, जिसके बाद साल 2007 में श्वेता ने राजा चौधरी से तलाक ले लिया, क्योंकि इनका तलाक की सबसे बड़ी वजह थी राजा चौधरी का अल्कोहलिज्म और वायलेंट अब्यूजिंग बिहेवियर। बता दें कि इनके तलाक के कुछ सालों बाद श्वेता की जिंदगी में अभिनव कोहली आए। आपको बता दें कि अभिनव और श्वेता की मुलाकात सीरियल जाने क्या बात हुई के सेट पर 2009 में हुई थी और यहीं से शुरू हुआ था श्वेता और अभिनव का प्यार। इस बीच श्वेता तिवारी ने साल 2010 में बिग बॉस सीजन 4 भी जीत लिया था, जिसके बाद अभिनव और श्वेता ने साल 2013 में शादी कर ली और आज दूसरी शादी के बाद श्वेता अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं, क्योंकि इनके दूसरे पति अभिनव श्वेता का हर डिसीजन में उनका सपोर्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और काफ़ी केयर भी करते हैं, जिसके चलते आज श्वेता की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। नंबर दो, तनाज ईरानी। इस लिस्ट की दूसरी कड़ी में अब नाम आता है टीवी सीरियल्स के साथ साथ बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री तनाज ईरानी का, जिन्होंने अभिनेता बख्तियार ईरानी से दूसरी शादी की है। बता दें कि बख्तियार तनाज से उम्र में 8 साल छोटे हैं, लेकिन बख्तियार से पहले तनाज एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट फरीद कुरीम के साथ शादी में थी। हालांकि इनकी पहली शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और इनका तलाक हो गया, जिसके बाद साल 2006 में तनाज की मुलाकात बख्तियार से फेम गुरुकुल के सेट पर पहली बार हुई थी। 1 साल डेट करने के बाद दोनों ने साल 2007 में शादी कर ली, जिसके चलते दूसरी शादी से तनाज की लाइफ पूरी तरीके से ही चेंज हो गई है। इसलिए आज तनाज अपनी दूसरी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं, क्योंकि बख्तियार इनका बेहद ख्याल रखते हैं और इनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। नंबर तीन, दीपिका कक्कड़। सिमर बनकर सभी के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने रौनक मेहता से साल 2009 में शादी की थी, लेकिन दीपिका कक्कड़ का ये शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और साल 2018 में इन दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद ससुराल सिमर का के सेट पर दीपिका की दोस्ती टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम से हुई। इस शो में दोनों पति पत्नी का रोल प्ले कर रहे थे और सेट पर ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद साल 2013 में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, जिसके चलते शोएब इब्राहिम ने साल 2017 में नच बली के सेट पर दीपिका कक्कड़ को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद दोनों ने 22 फरवरी 2018 को परिवार की मौजूदगी की और साथ ही उनकी रजामंदी से शादी रचाई। आपको बता दें कि दूसरी शादी के बाद दीपिका का करियर सातवें आसमान तक पहुंच गया। आज दीपिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद ही खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि इनके पति इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नंबर चार, गौतमी कपूर। गौतमी और राम कपूर टीवी इंडस्ट्री के परफेक्ट और बेस्ट कपल्स की लिस्ट में आते हैं। आपको बता दें कि गौतमी की राम कपूर के साथ पहली शादी नहीं हुई है। इससे पहले गौतमी ने एक फोटोग्राफर मधु श्रॉफ के साथ शादी की थी, हालांकि इनकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी में राम कपूर की एंट्री होती है। बता दें कि इन दोनों का प्यार एकता कपूर के हिट शो घर एक मंदिर के दौरान शुरू हुआ था। इस शो में गौतमी राम की भाभी बनी थी, लेकिन इस शो में एक साथ काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और इसके बाद गौतमी और राम ने साल 2003 में शादी कर ली। आज गौतमी राम के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि राम सिर्फ इनकी केयर ही नहीं करते बल्कि इनके हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान भी रखते हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नंबर पाँच, रुचा गुजराती। जिन्होंने अपनी पहली शादी में काफ़ी तकलीफें झेली थी। आपको बता दें कि रुचा गुजराती ने एक बड़े बिजनेसमैन मृदुल सांघवी से अक्टूबर साल 2012 में शादी रचाई थी और अप्रैल 2013 में दोनों ने रजामंदी के साथ तलाक ले लिया था। रुचा गुजराती के अलग होने की वजह मेंटल और फिजिकल हरासमेंट बताया गया था, जिसके बाद रुचा गुजराती ने साल 2016 में अपने करीबी दोस्त विशाल जायसवाल से शादी की और आज उनके साथ अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, आप सभी को टीवी की इन पाँच खूबसूरत
अभिनेत्रियों की दूसरी शादी को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। जरूर हमें साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।